आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिएटिव्स गीगा वर्क्स G500। ये वही पीस है जिसको हमने कुछ दिन पहले बनाया था, मतलब ये दूसरा पीस है, वो दूसरा पीस था। और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ये अभी तक किसी ने खोला नहीं है इसको लगता है। देखते हैं क्या इशू है। कंपनियां इतना सारा गम इस पे मारती हैं, इतना गम मारती हैं कि अच्छे भले पीस की भी बैंड बच जाती है। अभी आप देखो पीसीबी तक को डैमेज कर देता है ये गम। इनको ऐसा गम मारना नहीं चाहिए। अब बताइए कि इसको जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ गम मारा है वो ठीक है, अब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी गम मारा है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये आप देखो ट्रैक तक को भी सरा दिया है, आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ट्रैक का पूरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया है। इसको घस के क्लीन करना पड़ेगा। इतना गम क्यों मारते हैं ये लोग, क्यों लगाते हैं पता नहीं। वैसे ही इसका भी है, ये आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन में भी वैसा ही, जो पुराना इससे पहले जो बनाया था उसमें भी ऐसा ही इशू था। फिर उससे तो ये वाला काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसको किसी ने खोला नहीं है, ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो उतना गड़बड़ नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं क्या इशू है। ये सेक्शन में खाली थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और इसकी तो जो है हालत कुछ ठीक नहीं है, इसके तो ट्रांजिस्टर के जो टांग भी हैं ये वाले टांग भी पूरे सड़ गए हैं, काले काले पड़ गए हैं। देखते हैं, अभी आप देख सकते हो जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है ये हमने यहाँ से निकाला है, और इसकी टांगे जो है आप देख सकते हो कैसी कंडीशन है इसकी। इसको पहले हम साफ करेंगे, लगाएंगे। जो भी चीज़ ऐसा कोई भी पार्ट्स हो ऐसा काले काले दिखते हैं उसकी पिंस, तो उसको पहले क्लीन कर देना चाहिए। चेक करना नहीं करना वो बात की बात है, पहले उसको क्लीन करते हैं फिर लगाते हैं, फिर चेक करेंगे क्या इशू है। और सेकंड जो है ये जो है ट्रैक भी थोड़ा सा यहाँ पे सरा हुआ है, इसको भी सही करेंगे। क्लीन कर दिया है इसको, अभी आप देख सकते हो इसकी कंडीशन। अभी इसको फिट करेंगे, इसको क्लीन किया है, फिट कर दिया है। और ये जो ट्रैक जो मुझे लग रहा था रस्टी है, ओपन होगा, लेकिन वो ओपन है नहीं, मैंने चेक किया मीटर से, ठीक है। अभी हम आते हैं इस आईसी की तरफ। इस आईसी की जो है इसको भी थोड़ा क्लीन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने इसकी जो है टांगें थोड़ा क्लीन कर दी है, और ये जो है सेक्शन यहाँ पे, ये आप कंडेंसर के ऊपर फोकस कीजिए, इसके जो है टॉप का जो हिस्सा है थोड़ा बहुत ऊपर उठ गया है। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, कंडेंसर प्रेग्नेंट हो गया है। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ। इसकी जो टोपी है थोड़ी सी फूल गई है, हम इसको और ये जो हिस्सा है ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं इसको भी क्लीन करके देखूँगा कि गड़बड़ है या नहीं है, या ऊपर का जो कोटिंग किया हुआ है कलर से सिर्फ वही गड़बड़ है। इसको ये जो हिस्सा है ये ऑसिलेशन आईसी का हिस्सा है, इसको मैं ज़रा, आप देख सकते हो हमने कटिंग करके इसको ये किया है। और ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का ऑलमोस्ट 0-0 है, ये मैंने पिछले वीडियो में 10 ओम्स कहा था, ये 0-0 है। हमने इसको ओपन कर दिया है और इसको वही पुराना मेथड यूज करेंगे, प्रीसेट लगाएंगे इसमें,
और ये पिन नंबर 7 को जाता है। पिछली बार डायग्राम के हिसाब से पूरी डिटेल्स दिया था मैं। वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम थोड़ा सा म्यूजिक सुने।